Hey, what's up guys, Gaurav here. You are watching Truemobiles और आज के इस वीडियो में मैं exactly वही रिव्यू करने वाला हूँ जो आपने टाइटल में देखा. ये है the all new OnePlus 60 McLaren Edition. अगर आप McLaren नहीं जानते तो ये है McLaren right here. Yeah. So without any further ado, let's begin the video. So चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू करें. ये है मेरे पास चाकू. Let's do this. Yeah. Amazon काफी अच्छी पैकिंग देता है. Okay. So. Check this out. Boom. So it says salute to speed और यहाँ दिया है McLaren logo. Check this out. The McLaren logo by OnePlus. अच्छा फील आ रहा है. सो वी हैव द McLaren एडिशन. जो पैकिंग दिया है वो भी कार्बन फाइबर जैसा दिया है. ऊपर से बहुत अच्छा साउंड आता है. बूम. Fast and smooth. Okay, so चलो booklet बाद में देखें. पहले phone को एक बार देख लेते हैं. Yeah, so एक मिनट. Phone तो दिया ही नहीं है लगता है. So एक cover है. Yeah, McLaren का charger है जिसके ऊपर McLaren दिया है. एक USB केबल है टाइप सी है. और एक ये और चीज है. एक मिनट. सो ये मेरे हिसाब से ईयरफोन के लिए लग रहा है मुझे. शायद इसके अंदर ईयरफोन का जो जैक आता है 3.5 mm वो नहीं दिया है. सो उसके लिए ये दिया है. और जिसका आप भी वेट कर रहे हो. Here we have the McLaren logo. बहुत जबरदस्त लग रहा है. कार्बन फाइबर है ओरिजिनली. ओके, सो इसे हम साइड रखते हैं. नहीं, इसको यहाँ रख ही देते हैं. सो पहले बुकलेट देखें. इन सब को साइड रख दें. या तो बुकलेट में पहले तो ऊपर लिखा सल्यूट टू स्पीड. नीचे वन प्लस का लोगो है और McLaren का भी लोगो है. डेडिकेटेड टू दोज इन कॉन्स्टेंट परस्यूट ऑफ स्पीड. ऑसम. फियरलेस चैलेंजर्स. मजा आ गया. बुक देख करके मजा आ रहा है. ऑसम. Check this out. So, so we have the McLaren Edition OnePlus 60 with 10 GB RAM. Yeah, आपने बिल्कुल सही सुना. बहुत ज़बरदस्त है. इसके अंदर यहाँ McLaren का लोगो दिया है. ऊपर कैमरा है. OnePlus का लोगो है. पकड़ने में बहुत प्रीमियम है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. कार्बन फाइबर फिनिश दिया है जिसके अंदर कम्प्लीटली मतलब जो नॉर्मल OnePlus 60 है और इसके अंदर जो फ़र्क जो दिखता है, शायद आपको इसके अंदर
थोड़ी लाइट की वजह से है, उसकी वजह से अगर दिखे तो थोड़ा सा क्लोज ले लेते हैं अगर आपको दिखे तो। इसमें आपको साइड में ऐसा डायगनल आपको लाइंस दिखेगी। सो गाइस एक चीज़ बतानी रह गई, वो थी आप सोच रहे होगे कि इतनी मोटी बुकलेट देने का क्या मतलब है, कोई भी कंपनी इतनी मोटी बुकलेट नहीं देती, कुछ है नहीं तो इसका फ़ायदा क्या ये देने का, और मैक्लेरन को इतना प्रमोट करने का क्या फ़ायदा, क्या है इसका रीज़न। तो ये चीज़ शायद आपको नहीं पता होगी इस बुक के बारे में, सो लेट मी जस्ट शो यू ये है क्या। सो जिस कमाल की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये बुक से और इस फ़ोन से। ऐसा कुछ होगा, हमने बुक को शुरू करा, आगे जाएंगे। अब ये फ़ोटो देखने में नॉर्मल ही लग रही है, इस फ़ोटो में ऐसा कुछ खास है नहीं, पर अब खास चीज़ दिखेगी वो है ये। अभी है नॉर्मल, कैसा लगा? अब आगे जाते हैं। ऊपर तो कुछ नहीं आता, बस यहाँ एक फोटो आती है। थोड़ा सा साइड जाएं, ये फोटो एक्चुअली है ये, बट इस पर कैमरा ले आए तो ये है। पहले था ये जैसा आपको दिखा, और अब ये सर ब्रूस मैक्लेरन के अचीवमेंट के बारे में। चलो नेक्स्ट पेज पर चले। मैंने यहाँ नहीं सोचा था ऐसा कुछ कि इस पेज पर भी कुछ आएगा। एक मिनट, हाथ रखूँगा तो प्ले नहीं होगा। इस पेज पर कुछ आएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था, बट अब मेरा हाथ driven by a big research department. We're driven by these people who are our biggest fans and our biggest critics. So we try to do everything we can to surprise and impress them. Then we send it out into the world and do it all again. ये तो पूरे पेज पर ही आ गया। चलो इसको थोड़ा एक मूवी की तरह देखें। सो गाइस अब एक चीज़ जो मुझे हद से ज़्यादा अच्छी लगी, वीडियो की शुरुआत में मेरा ये फोकस नहीं किया था, बट जो यूज़र है उनने मुझे ये बताया कि ये चीज़ें इस फ़ोन में है। अब जो यूज़र है, मैं इतना टेक्निकल आदमी हूँ नहीं, यूज़र को इतनी ज़्यादा चीज़ें पता होगी कि भाई क्या क्या चीज़ें और होती है। तो उस पर से मैंने एक चीज़ देखी और ये चीज़ मुझे बहुत मतलब हद से ज़्यादा पसंद आई, और डेफिनेटली आपको भी पसंद आएगी। सो चलो एक बार देखें क्या है। सो अभी ये गाड़ी का स्केच, जैसा मैंने पहले बताया था, ये जो एक लाइन डायग्राम टाइप का सा जो ये एक F1 कार का दिख रहा है, ये दिखने में नॉर्मल है, बट जब ये फ़ोन इसके साथ में आता है तो क्या होता है, देखो। Here we go. अब देखना, अब मेन सीन चालू होता है।
इसको थोड़ा कार्बन फाइबर फिनिश दिया है, जो नॉर्मल OnePlus 60 है उसके अंदर प्लेन है। नॉर्मल OnePlus 60 और इसके अंदर फ़र्क इतना ही है कि जो लुक में जो फ़र्क है वो है कि उसके अंदर प्लेन दिया है, यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश दिखेगा। यहाँ पर साइड में कोई ऑरेंज लाइन नहीं है, ऑरेंज सो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इसके अंदर ये चीज़ें दिखती है और इसमें कार्बन फाइबर फिनिश आता है। सो ये खास चीज़ है और इसको एक बार स्टार्ट कर लें। सो ये स्टार्ट हो रहा है। तब तक मैं आपको बताऊं, मैकलेरन ने इनके साथ जो कोई ओ हो आगे बढ़ने ही नहीं दिया। स्टार्ट कर दिया जाए। सो मैंने इसके और भी कई फ़ोटोज़ वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी थी, और उन सब में मुझे जो एक चीज़ जो सबसे बढ़िया लगी वो ये थी कि इस फ़ोन के अंदर जो ये क्या नाम है, लैम्बोर्गिनी और इन सब के जो फ़ोन जो आते हैं उन सब के अंदर जो एक वियर्ड चीज़ जो लगती है वो ये लगती है कि उन सब के अंदर कार हर जगह दिखा देते हैं, कुछ भी, मतलब वो चाइना के फ़ोन कैसे होते हैं बस उस तरह का उनका फ़ोन लगता है, और उसके अंदर कुछ भी खास ऐसा मतलब वो जो फील जो आना चाहिए फ़ोन का वो फील नहीं आता। पर इसके अंदर जो इन्हें सबसे बढ़िया जो चीज़ करी है वो है इसमें सारी चीज़ें नॉर्मल दी है, जिससे आप जब यूज़ करते हो उस फ़ोन को तो कहीं से कहीं तक आपको बकवास गाड़ियों के फ़ोटो, लोगों के अंदर गाड़ियां बनी हुई, बैकग्राउंड में कोई मैकलेरन का फालतू लोगो नहीं, कोई भी चीज़ आपको ऐसा नहीं दिखता है इसके अंदर। एकदम मतलब जैसा OnePlus 60 जैसा है उसी तरह का इसको भी बनाया गया है। सो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मैकलेरन एडिशन होने के बावजूद इस फ़ोन के अंदर ये सारी चीज़ें इनने करी है, और बहुत सिंपल रखा है, सिंपल एंड सोबर, लुक सो परफेक्ट, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो ऐसा कुछ ये फ़ोन है, इसमें 10 GHz का GHz की रैम है, 256 GB स्टोरेज है, और ज़्यादा मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे पता नहीं है, बट इसका एक बार हम स्पेसिफिकेशंस भी ओपन कर लें ताकि हमको आइडिया आ जाए। या सो इसके अंदर 3700 mAh की बैटरी है, और एक और अच्छी चीज़ वो है कि ये 20 मिनट्स में 50% चार्ज कर देता है, जो एक भी फ़ोन अभी वर्ल्ड वाइड ऐसा एक भी फ़ोन नहीं बना जो इतना जल्दी चार्ज कर दे। और दूसरी चीज़ कि जो वीवो है और ये सारी कंपनियां, इन सब के भी फ़ोन आ गए हैं, बट वो सिर्फ एशिया के अंदर 10 GB वाले फ़ोन हैं, बट यही एक अकेला फ़ोन है जो वर्ल्ड वाइड आपको लोकली मिल जाएगा। ये लिमिटेड एडिशन है, बट OnePlus 60 जो है उसके अंदर 8 GB रैम आता है और 128 GB इंटरनल मेमोरी है, जहाँ तक मुझे याद है इसमें 256 GB दिया है। सो इतना कुछ खास फ़र्क है, मैंने स्पीड टेस्ट वगैरह के वीडियो देखे, इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट आपको गेमिंग में बेनिफिट होगा। सो बस यही है खास चीज़ तो इस फ़ोन के बारे में। मैं ऑटोमोबाइल रिव्यूअर हूँ और ये मैकलेरन का था, सो मैंने सोचा कि मैकलेरन एडिशन होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये वीडियो बनाऊं। और इसका आपको मार्केट प्राइस आपको इसका मिल जाएगा अराउंड 51,000 का। सो 51,000 का आपको ये मिल जाएगा। एक और कुछ डब्बा सा दिया है इसमें, कुछ शो के लिए डब्बा दे दिया एक और। सो बस ये था गाइज आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई। ये फ़ोन भी मैकलेरन जैसा ही अल्टीमेट है और मैकलेरन जैसा ही फास्ट है। जैसे कहाँ गई हमारी मैकलेरन, ये रही, हियर इज़ द मैकलेरन, हियर इज़ दैट लोगो, कार्बन फाइबर, एंड हियर इज़ दैट फोन। सो दिस इज़ द फोन गाइस। सो सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे यही लगी है, फ़ोन को साइड में रखते हैं, बीइंग अ कार गाय ये चीज़ मुझे पसंद है, जो कार्बन फाइबर है। मौका नहीं मिल सकता, यूज़र गर्म हो जाएगा जिनका ये फ़ोन है, अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो मेरा होता तो मैं ज़रूर इसको बाहर निकाल लेता। सो ये था गाइज आज का वीडियो, ये है मैकलेरन एडिशन, और बस यही सब कुछ था। ये कवर मिलता है, एक बार कवर के साथ भी देख लेते हैं इस फ़ोन को। कवर में भी कार्बन फाइबर है, ऑसम, कवर में भी मैकलेरन है, एज यू गाइज कैन सी। बहुत डिसेंट फ़ोन है, ना ज़्यादा बड़ा है, ना ज़्यादा चौड़ा है, ना कुछ भी ऐसा लगा।
छोटा सा एक नॉच दिया है कैमरा के लिए। कैमरा में जो नॉर्मल OnePlus 60 जो है और जो McLaren एडिशन है उनमें भी कैमरा में इतना कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है कैमरा। और बस ये था आज का वीडियो गाइज, ये सब कुछ इस फ़ोन के बारे में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उधर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारे वीडियो लाता रहूँगा, और अगर ऐसा कुछ नया मार्केट में आया तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड आई विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो एंड अ यूजफुल वीडियो। प्लीज़।